chicken shashlik with gravy. Assalamu alaikum friends, welcome to my channel sisters official. Kaise hain aap sab log? Umeed karti hu khairiyat se honge. Aaj main aapko banana bata rahi hu chicken shashlik with gravy. Chicken shashlik bahut se tarikon se banaya jata hai, lekin aaj main aapko apne tarike se banana bata rahi hu. Jiske liye hame chahiye chicken. Chicken humne 1 kilo liya hai. देखें चिकन हमने 1 किलो ले लिया है. ये पूरा चिकन है. सिरका 1 टेबलस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, काली मिर्च 1 टेबलस्पून, नमक हसबे ज़रूरत, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून. अब हम इन सब चीज़ों को चिकन में मिक्स कर देंगे और 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे. सिरका डाल दिया है, सोया सॉस, काली मिर्च, नमक और ये लास्ट में अदरक लहसुन का पेस्ट हम डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे. आपने हाथों से ही मिक्स करना है, स्पून ना यूज़ करें. हाथों से बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है ये. ये देखिए अब हम इसको 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे. आपकी मर्ज़ी, 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, 2 घंटे के लिए भी. ये देखिए चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है. अब इसके लिए जो हमें बाकी सामान चाहिए वो ये सब है, जिसमें सब्ज़ियां हमें चाहिए. ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं जिनको मैंने क्यूब की शक्ल में काट लिया है, और ये 2 बड़े साइज़ की प्याज़ हैं इन्हें भी मैंने क्यूब की शक्ल में काट लिया है, और ये 2 बड़े साइज़ की शिमला मिर्च हैं जिन्हें मैंने क्यूब की शक्ल में काट लिया है और बीज निकाल दिए हैं. शिमला मिर्च और टमाटर दोनों के ही बीज निकाले मैंने. अब हमें चाहिए टोमेटो केचप 1/2 कप, सफ़ेद मिर्चें 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून काली मिर्च, 1/4 टीस्पून पेपरिका पाउडर, नमक लेंगे हसबे ज़रूरत, सिरका 1 टेबलस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून. अब हमने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में हम 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे. और ये आप याद रखें कि इस डिश को बनाने के लिए टोटल 3 स्टेप हैं, जिसमें से स्टेप नंबर 1 जो है वो सब्ज़ियों का है जिसको हमने सोते करना है. सबसे पहले हम सब्ज़ियों को सोते कर लेंगे. ये ऑयल हमने डाल दिया और इसको हम गर्म होने देंगे. जब ये गर्म हो जाए तो हम ये शिमला मिर्च डाल देंगे, टमाटर हमने डाल दिए, ये हम प्याज ऐड कर देंगे और तेज़ आंच पर सब्जियों को 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे. हमने बिल्कुल कुक नहीं करना है ये सब्जियों को. ये देखिए हमने इसको बस इस तरह से पकाना है कि ये आधी कच्ची आधी पक्की रहें. ये देखें सब्ज़ी हमारी सोते हो चुकी हैं और ये देख सकते हैं आप कि ये बिल्कुल पकी हुई नहीं है. अब जो इसका सेकंड स्टेप है वो है ग्रेवी तैयार करने का. ग्रेवी तैयार करने के लिए हम लेंगे कढ़ाई. कढ़ाई में हमने लिया है 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल. जब ऑयल गर्म हो जाए तो हमने इसमें लहसुन डाल देना है. लहसुन के 2 से 3 जवे मैंने लिए हैं जिनको बारीक बारीक काट लिए. अब हम ये जब लहसुन लाइट ब्राउन हो जाएगा तो ग्रेवी तैयार करेंगे हम अपनी. ये देखें बिल्कुल ब्लैक नहीं करना है, बस लाइट सा ब्राउन हो जाए तो फिर इसमें हम बाकी का सामान डाल देंगे. देखें ये लहसुन हमारा लाइट ब्राउन होने वाला है. अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटो केचप. आप चाहें तो आप टमाटर का पेस्ट भी ले सकते हैं. 2 टमाटर आप बॉईल करके उसका पेस्ट बना सकते हैं या केचप ले लें, जैसा आपको ठीक लगे. मैंने यहाँ केचप लिया है. अब इसमें हम बाकी के मसाले डाल देंगे. ये हम डाल रहे हैं सफ़ेद मिर्च, सोया सॉस, पेपरिका पाउडर,
सिरका, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पहले इसमें पानी ऐड करने के बाद थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसको। फिर उसके बाद तकरीबन 1 कप पानी डाल के हमने इसको 5 मिनट के लिए ढक के हल्की आंच पे पका लेना है ताकि मसाले अच्छे से पक जाएं। ये देखें ये पक चुका है 5 मिनट के लिए। अब ये कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया मैंने। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया था और उसको पानी में घोल लिया था, वो ऐड कर दिया है। कॉर्नफ्लोर हम इसलिए डालेंगे ताकि जो ग्रेवी है थिक हो जाए। ये देखिए ये अभी से थिक होने लग गई है। अब हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि ये थिक हो जाए और इसको फिर हम एक बाउल में निकाल लेंगे। ये देखें आप, ये मैंने आपको बताया था 3 स्टेप में। 1 स्टेप सब्ज़ी का था, 2 स्टेप ग्रेवी का और 3 स्टेप जो है वो चिकन का है। अब हमने 2 कप इसमें ऑयल लिया है कढ़ाई में और ये हमने चिकन ऐड कर दिया इसमें, जो मैरिनेट किया हुआ चिकन रखा था। अब इसको हम अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। तकरीबन 15 मिनट के लिए हम चिकन को पका लेंगे। ढक के हल्की आंच पे हम 15 मिनट के लिए पका लेंगे। देखिए ये चिकन हमारा पक चुका है। अब हम इस चिकन में ऐड कर देंगे सब्ज़ी। देखिए जो सब्ज़ियों को हमने सौते करके रखा हुआ था वो सब्ज़ी ऐड कर दी हमने। अब इसको हम मिक्स करेंगे। आंच हमने मीडियम ही रखनी है अभी। अब जो ग्रेवी हमने बना के रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे। तकरीबन मैं इसमें डाल रही हूँ 5 से 6 टेबलस्पून। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा ग्रेवी रखना चाहें तो ज़्यादा डाल दें, कम रखना चाहें तो कम डाल दें। मैंने नॉर्मल सी रखी है ग्रेवी, इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखी मैंने। अब हम इसको मिक्स कर देंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट हल्की आंच पे इसको हम पका लेंगे और ये देखें आप, ये चिकन शाशलिक तैयार हो चुका है। ये बहुत खूबसूरत सा लग रहा है दिखने में और खाने में भी अच्छा ही होगा ये यकीनन। और आप इसको वाइट राइस के साथ भी ले सकते हैं और ज़ीरा राइस के साथ भी ले सकते हैं और वेजिटेबल राइस के साथ भी ले सकते हैं। और आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।